महाराज जी, आप संस्कृत का एक विद्यालय चलाते हैं जिसके अंदर युवाओं और बच्चों को आप संस्कृत की शिक्षा देते हैं। थोड़ी सी जानकारी इस बारे में दें कि संस्कृत भाषा को लेकर यह विचार कहाँ से उपजा और किस तरह से आप इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए खुद आगे आए। देखिए, मैं जो है 2002 में, करीब 20 वर्ष हो गया, मैंने वेद विद्यालय, दुधेश्वर वेद विद्यालय प्रारंभ किया था। जी जो राष्ट्रीय संदीपन वेद विद्या प्रतिष्ठान जो है, उससे जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, अब भारत सरकार ने वो मानव संसाधन मंत्रालय खत्म कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया, और अभी जो है संस्कृति परिषद बना दिया है। तो उसके तहत तो उसका अनुदान प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ से जो विद्यालय पढ़ के पूरे कई जो विद्यार्थियों ने जो है PhD वगैरह भी किया है, अच्छे अच्छे विद्यालयों में वो जो है विश्वविद्यालय वगैरह में जो है अध्यापक भी हो गए हैं। तो बहुत अच्छी जगह पर अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, और अपना सिंगापुर है, कई देशों में, करीब 17 देशों में, करीब जो है विभिन्न मंदिरों में पुजारी वगैरह है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी, और हमने भी भेजते रहते हैं। तो वहाँ पर जो है एक तरह से आपका कर्मकांड ट्रेनिंग सेंटर। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि एक बार भागवत जी से भी बात हुआ, तो भागवत जी को मैंने बोला कि भाई हमारा तमिलनाडु वगैरह हम जाते हैं, मोहन वो भागवत जी को। मोहन जी भागवत जी, मोहन जी भागवत जी जो संघ के प्रमुख है, मोहन भागवत जी, तो हमने कई बार उनसे बात किया अलग मिलकर कि तमिलनाडु वगैरह है, केरला वगैरह है, वहाँ पर बहुत से गाँवों में जो है जो प्राचीन मंदिर है जी उनका जो बच्चे हैं वो कुछ उसमें रुचि नहीं रखते, पिताजी खत्म हो गए तो मंदिरों को उपेक्षित है, फिर वो ईसाई है, मुसलमान है, वो जमीन खरीद लेते हैं, जी तो उनके लिए भी कुछ चिंतन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, विचार बनाएंगे। तो हमने जो है ये किया कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के और 15 प्रांतों के जो करीब कम बच्चे पढ़ते हैं, जो परंपरा से गाँवों में पंडित जो पूजा करते हैं उनके जो बच्चे हैं, तो उनको मंदिरों के बच्चों को ला के वहाँ पर वेद और कर्मकांड, ज्योतिष और अपना जो आधुनिक विषय है, ये एक तरह से कर्मकांड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उसको आधुनिक विषय, अंग्रेजी वगैरह सारी चीज़ पढ़ाई जाती है, जी जिससे कि बच्चा जो है अच्छे से तैयार हो। तो ये बहुत और जो से, प्राच्य ज्ञान जो लुप्त हो रहा है हाँ उसको आप जी, बचाए रखने जो की हमारा कोशिश कर रहे वैदिक हैं। ज्ञान है, जो जी भारतीय प्राचीन संस्कृति वैदिक है, जी तो जो वेदों का जो लुप्त होने का, तो वैदिक संस्कृति जो है, तो जो वहाँ वेदों को भी पढ़ाया जाता है, वेदों की अलग अलग ऋचाओं को जो है वहाँ पर अध्ययन करता है, और छोटे बच्चे जल्दी से उसको ग्रहण कर लेते हैं। जी तो वो जो है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, कई बार पुरस्कार भी मिला उन बच्चों को। जी तो हमारा अच्छे पूरे भारत में जो है अच्छा नाम है दुधेश्वर संस्कृत विद्यालय का।